आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना। तो लंच का टाइम हो गया है, 12:30 हो गया है, तो मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो आज का मौसम कुछ थोड़ा सा एकदम बादल सा हो रखा है, थोड़ा सा ठंडा भी है। तो लंच बनाने जा रही हूँ, तो सोचा कि चलो आज आलू का पराठा बनाते हैं। तो देखते जाइए मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। वैसे तो बहुत लोग को आलू का पराठा बनाने आता होगा, पर मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आलू को अच्छे से धो लेंगे, फिर इसको उबालने के लिए रख देंगे। ये मैंने इतना आलू लिया है। फिर ये पानी डालेंगे और फिर कुकर पे चढ़ा देंगे। अभी मार्केट में नए आलू आ गए हैं, तो ये नए आलू हैं, तो ये मैंने कुकर में रख दिया और फिर चढ़ा दूँगी। फिर जब तक ये आलू बॉयल होगा तब तक मैं अपने थोड़े से बर्तन हैं उनको वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बर्तन धोने से पहले मैं सारे बर्तनों को एक बार वाटर से धो लेती हूँ, जिससे उसमें जो भी थोड़ा सा फूड्स वगैरह लगे हुए हैं वो थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा, तो उससे बर्तन धोने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो देखिए, ये मैं सारे बर्तन एक बार वाटर से साफ़ कर लूँगी, जिससे मुझे थोड़ा सा आराम हो जाता है बर्तन धोने में। तो बर्तन धोने से पहले मैं सिंक को क्लीन करती हूँ। तो मैं पहले ये मिस्टर मसल्स का ये स्प्रे है, इसको छिड़क लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रबर में थोड़ा सा विम बार लगा के पूरा इसका अच्छे से सिंक और सिंक के आसपास, टैप के आसपास सब साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करूँगी, इससे मुझे थोड़ा सा क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है। सारे जूठा जो फूड्स के जूठे वूठे हैं सब पहले क्लीन हो जाते हैं, फिर मैं इसमें बर्तन को वॉश कर रखूँगी। फिर थोड़ा सा वाटर से सब साफ़ कर देंगे, तुरंत साफ़ कर देना चाहिए, नहीं तो सब वॉल पे जम जाता है साबुन वगैरह, तो तुरंत साफ़ करने से वो थोड़ा साफ़ हो जाता है। सबसे पहले मैं छोटे छोटे बर्तनों को सोप करके रख देती हूँ, उसके बाद प्लेट्स वगैरह, उसके बाद लास्ट में जो बड़े बर्तन होते हैं उनको वॉश करती हूँ। इससे मुझे थोड़ा सा आराम हो जाता है, कंफर्टेबल थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि ऐसे करने से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो इधर उधर मैं बर्तन धो रही हूँ, उधर आलू भी पक के ये सीटी दे रहा है, हो चला है आलू भी। तो देखिए, ये मेरे बर्तन सब धुल गए हैं, ये छोटे छोटे बर्तन मैंने इसमें रख दिए हैं, बाद में मैं अंदर रखूँगी। और देखिए मेरा सिंक कितना क्लीन हो गया है, अच्छा लग रहा है। बर्तन वॉश करने के बाद मैं सिंक को फिर से धो देती हूँ। और ये जो ग्लास वगैरह है मैं यहाँ रखी हूँ, बाद जब इसका पानी निकल जाएगा तो मैं ऊपर रख दूँगी। यहाँ पे मैं ये स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर दूँगी। तो ये आलू भी बॉयल हो गया है, यहाँ आलू 2 सीटी में हो जाता है। तो ये मैं ठंडा होने के लिए इसको रख दूँगी। तब तक फ्रेंड्स हम आटा तैयार कर लेंगे, जब तक आलू ठंडा हो रहा। तो मैं आटा ले लिया है मैंने, व्हीट फ्लोर, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, हल्का सा डालना है क्योंकि आलू में भी नमक डलेगा। और थोड़ा सा मोयन के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे, जिससे पराठा थोड़ा अच्छा सॉफ्ट बनेगा। तो मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं वाटर डाल के इसको डो तैयार करूँगी। तो ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। तो एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आप आटा वगैरह साना करें तो अपने ब्रेसलेट को थोड़ा ऐसे ऊपर कर लेंगे,
तो उसमें आटा भी नहीं लगेगा और ब्रेसलेट में आटे नहीं चिपकेंगे तो अच्छा रहता है। तो मैं ये वाटर डाल के आटा सान रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सानना चाहिए। जिन जिनको पता है वो तो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए बता रही हूँ। तो ये देखिए मेरा आटा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो ये मैं ऐसे इसको अच्छा से मठार दूंगी और फिर इधर एक साइड में रख दूंगी। अब हम आलू के मसाले की तैयारी करते पराठे की। तो ये मैं थोड़ा सा धनिया है इसको छाट रही हूँ, ये भी पराठे में डलेगा। तो फ्रेंड्स धनिया को धोने के लिए, जैसे जितनी भी हरी चीज़ें हैं उनको धोने के लिए मैं बताती हूँ, थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा नमक डाल के उसमें वॉश करेंगे तो अच्छा रहता है। तो ये मैंने धनिया काट लिया है और ये मैं दो चार हरी मिर्च भी काटूंगी। तो ये हो गया है। तो फ्रेंड्स आलू को छील लेंगे, फिर हल्का मैश कर देंगे। फिर मैश करने के बाद उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे जो मैंने अभी काटा है, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये मैंने डाला। गरम मसाले के बाद कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी, आप अपने फ्लेवर के स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा अमचूर पाउडर, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। नमक हिसाब से डालिएगा क्योंकि आटे में भी थोड़ा सा हमने नमक डाला है। तो ये मेरा आलू के पराठे का मसाला तैयार हो गया। ये है। तो फ्रेंड मैं रिफाइंड ऑयल से पराठा बना रही हूँ, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक पराठा रख भी दिया है, तवे पे चढ़ा दिया है। तो देखिए ये हो रहा है और इसको आप आलू जितना चाहे आप ज़्यादा खान आलू स्टफ़ करके खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा आलू भर सकते हैं, कम आलू का खाना चाहते हैं तो कम आलू भर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा आलू वाला अच्छा लगता है तो मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए हो गया है एक पराठा। तो पराठे को स्टफ़ करने के बाद हल्के हाथों से उसको करना चाहिए, नहीं तो फट जाता है। देखिए ऐसे करने के बाद थोड़ा सा आटा लगाएंगे, इसको हाथ से ऐसे हल्का हल्का करेंगे, फिर हल्के हाथ से उसको बेलेंगे जिससे थोड़ा फटे ना। ज़्यादा आलू भरते हैं तो थोड़ा फटता भी है। तो ये हो गया।
देखिए आलू का पराठा। तो गाइस आलू का पराठा तैयार है, ये पिकल। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, लंच करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स तो लंच हो गया मेरा और आलू का पराठा बहुत अच्छा बना था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। और अगर आपको मेरा आलू के पराठा का रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा बना था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा आफ्टरनून का ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं थोड़ा और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके तो बाय बाय।